अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियाज लाइव। आज रात मैं आप लोगों के लिए छोटा सा मैसेज लेकर आई हूँ। आज रात है जागने की रात। आज अल्लाह पाक सातवें आसमान से पहले आसमान पर आ जाते हैं और कहते हैं, है कोई मांगने वाला मुझसे मांगे, अगर मैं ना दूँ तो फिर कहना। तो आज जितना आप इबादत कर सकते हैं, जितना आप अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं और वो कबूल फरमाते हैं। जितना सफ़ार कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी मगफिरत करने वाले हैं। सफ़ार हमें जितना हम इस्तफार करेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाने वाले। तो आपको मैं हदीस एक सुनाती हूँ छोटी सी। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह बक्की में इस रात जाया करते थे। बीबी आयशा फरमाती हैं कि इस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक्की में किसी जगह जाया करते थे और वहाँ कसरत से इस्तग़फ़ार किया करते थे, अपनी उम्मत के लिए, अपने लिए, और कुराशी पढ़ा करते थे। तो आप लोग भी कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और जिन्हें आप नहीं भी जानते आप उनके लिए भी इस्तग़फ़ार पढ़ें, उनके लिए भी दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। दुनिया फ़ानी है, आपने साथ अपने कुछ भी नहीं लेकर जाना। आप साथ लेकर जाएंगे अमाल नामा, जो यहाँ पर आप कमाएंगे वही वहाँ पर आप लेकर जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। जिस तरह हम प्रॉपर दुनिया को लेकर चलते हैं, दुनियादारी को लेकर चलते हैं, उसी तरह आप आखिरत के लिए भी कुछ कमाएं। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मेरा नाम नाजिया है, अल्लाह ना करे अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि नाजिया को गुस्ल कब दिया जाएगा, नाजिया का जनाजा कब आएगा। ये कहा जाएगा कि जनाजे की तदफीन कब होगी, जनाजे को गुस्ल कब दिया जाएगा, जनाजा कब आएगा, यहाँ तक कि नामो निशान भी आपका ख़त्म कर दिया जाएगा। छोटे छोटे सत्कार जारिया करें और खुश रहें, खुश रहने की कोशिश करें, सबको खुश रहें रखें, अपने दिल में किसी के लिए कुफर पैदा ना करें, मैल पैदा ना करें, और सबसे हंसते मुस्कुराते रहें। जब भी मिलें दिल साफ करके मिलें, क्योंकि आज की रात मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर देना, हमारी तरफ से कोई दिल दुखा हो या कुछ हुआ हो, और फिर दूसरे दिन से वही स्टार्ट कर देते करना। फिर साल आता है, इसी तरह जागने की इबादत की रात आती है, फिर इसी तरह माफ़ी मांगते हैं। नहीं, अगर आपने आज की रात सच्चे दिल से तौबा कर ली और माफ़ी मांग ली, तो फिर आप अपना दिल साफ रखें, आप पूरे साल अपना दिल साफ रखें। आप कुछ नहीं लेकर जाएंगे, आप सिर्फ अमाल नामा लेकर जाएंगे। छोटे छोटे सत्य जारिया करते रहा करें और लोगों की मदद करते रहा करें। छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को खुशी देने में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हर्ज नहीं पड़ता। तो ये छोटा सा मैसेज मैंने आप लोगों को देना था आज की रात। तो फिर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।